लगाने को लेकर किसी को बहुत जरूरी है। और मैं आजकल सारे रिस्क ही ले रहा हूँ। 6 साल में एक फिल्म बनाई थी जो आज पूरी दुनिया में उसको जानते हैं लोग, और उसको नेशनल और 71 इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुका उसको पूरे 1.5 साल के अंदर। इंटरनेशनल फेस्टिवल में गए हैं, कम से कम 70% जगहों पर वो अवार्ड जीत के आए, तो उसमें है कुछ। इसीलिए आज भी जगह जगह रीजनल फिल्म कैसे बननी चाहिए, मुझे उड़ीसा में बुला रहे हैं, भुवनेश्वर बुला रहे हैं, मुझे मध्य प्रदेश बुला रहे हैं, मुझे हर जगह बुला रहे हैं लोग, की कैसे बनाई आपने प्रोसेस ताकि रीजनल फिल्म मेकर्स को एक वो मिले। ये मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कुछ कमाल कर दिया, लेकिन नीयत साफ थी और था। किसी ने 5 करोड़ ऑफर किए मेरे बेटे को जीरो जीरो में, करने पैशन से बनानी है, पैसों से नहीं। लेकिन कई बार लगता है कि इस चीज़ में वो बात नहीं है, लेकिन
बाहर निकल जाता है क्योंकि ओवरऑल पिक्चर क्या की शायद लिरिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उस वजह से साथ साथ आवाज भी चल गई. तो काफ़ी हद तक क्रेडिट जो होती है वो कंपोजर देना होता है जिस तरह से उन्होंने क्रिएट किया. और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कौन है कंपोजर कौन है लिरिक्स क्या है. ये जो भी गाना मिलता है मैं समझता हूँ कि जैसे आर्टिस्ट समझ सकते हैं ना कि रोल आर्टिस्ट को चुनता है तो फिर वो कहते हैं कि कुछ तो सोचे हुए उन्होंने कि मुझको इस किरदार को निभाने के लिए मुझे उन्होंने चुना. तो मैं भी यही सोचता हूँ कि जैसे भी गाना है अगर उन्होंने ये गाना शांत आएगा तो गा देता हूँ. इतना सोचता नहीं हूँ अच्छा है बुरा लेकिन आपके बाद वायरल हो आपकी चीज़ें जरिए बाकी अगर कोई माइक लेकर सवाल पूछना चाहे तो आप कर सकते हैं.